45 रन बने, 44 रनों का लक्ष्य है, उसमें तीन रन पेनल्टी के भी ऐड हो चुके हैं। मैरिलियन बाबका टीम एक अच्छा टोटल हम कह सकते हैं। रातराजा स्पोर्ट्स देवरू टीम को चेस करने होंगे 44 रन 44 रन जीत के लिए। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है स्वर्गीय आत्मराम गुलवी ट्रॉफी 2019 में दूसरा दिन टूर्नामेंट का पहले राउंड के मैचेस हम देख रहे हैं। सामने टीम के कप्तान आपको यहाँ पर आना है, साथ ही साथ देवी सपाटा टीम के कप्तान आपको भी। मिस्टर मनोहर केणिया उद्योगपती आमने यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे। आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत, आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचंय। तसेच एथिका स्पोर्ट्स सामने संघाचे उत्कृष्ट खेळाडू आहेत, त्यांना आपण खेळताना सुद्धा मैदानामध्ये पाहणार आहोत। फुल प्लेसमेंट सजता हुआ मेहरिलवन बापगाव टीम का टोटल तो उनके पास काफी अच्छा है। अब गेंदबाजी पर ध्यान देना होगा, अच्छी लाइन पर लेंथ पे गेंदबाजी करना काफी जरूरी। कड़ी धूप चमकदार रोशनी, टेम्परामेंट बढ़ चुका है, क्रिकेट का भी यह टेम्परामेंट बढ़ चुका है। जानतराजा स्पोर्ट्स देवरू टीम के ओर से ओपनर्स मैदान के भीतर प्रवेश करते हुए किरण और दिनेश। किरण के पास गहरा अनुभव है, देखना किस तरह से अनुभव को इस्तेमाल में लाते हैं। उच्च लंबे कद के गेंदबाज विलास बॉलिंग वाले स्थान पर, युवा खिलाड़ी काफी देखने को मिले इस टूर्नामेंट में। चार दिवसीय टूर्नामेंट दूसरा दिन जिसके हम मैचेस देख रहे। राइट ओवर द विकेट से पहली गेंद स्ट्राइक करने की कोशिश थी, हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे, बढ़िया कैच। पहली गेंद पर अटैक करने की कोशिश, हालांकि जायज भी था जानतराजा स्पोर्ट्स देहरादून टीम के लिए, लेकिन एलिवेशन ज्यादा था, दूरी जो चाहती थी सीमा रेखा को पार करने के लिए वो नहीं प्राप्त कर पाए। किरण आखिरकार डक पर डगआउट में लौटते हुए दूसरे मैदान के भीतर प्रवेश करते हुए तीसरे नंबर पर जीतू और बल्लेबाज दिनेश पर भारी जिम्मेदार रहेगी जानतराजा स्पोर्ट्स देहरादून टीम की। पहली गेंद पर सफलता, बड़ी उपलब्धि कहूंगा मैं गेंदबाज और टीम के लिए। दायरे के बाहर देखा जाए तो एक विड विकेट और लॉन्ग ऑन। इस बार खूबसूरत शॉट लॉफ्ट एट लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, पहले बाउंस पर चार रन। बड़ी टूर्नामेंट है
और पहली बार इस क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर यूट्यूब लाइव टूर्नामेंट देख रहे भावेश फोर्स और मिस्टर गणेश बजागे की देन, जबरदस्त प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों के लिए। इंसाइड आउट खेलने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन मौजूद है डायरेक्ट के अंदर, गली के स्थान पर जाकर गेंद को रोका, केवल एक ही रन, चार रन से खाता खोला था बल्लेबाज दिनेश ने। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 44 रन का टारगेट, यानी कि 42.76 की आस्किंग रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट फॉर दी जानतारा जस्पर्स देवरुंग टीम। अब भाई आपके खिलाड़ी स्ट्राइक पर रहेंगे, जीतू थोड़ा सा परेशान, मैन रीजन में, लेकिन फील्ड किया बैकवर्ड पॉइंट के स्थान पर, केवल एक से ही संतुष्ट होना पड़ा। बड़ी शॉट खेलने होंगे मैच के जीत के दृष्टिकोण से, सिंगल्स डबल्स से या इतने बड़े लक्ष्य को छूना काफी मुश्किल हो सकता है जानतारा जसपोर्ट्स देवरुंग टीम के लिए। मध्यम तेज गति के गेंदबाज है विलास, कड़ी धूप है, धूप प्यास सब कुछ भूल कर खिलाड़ी मैदान के अंदर अपना बेस्ट 100% देने की कोशिश करते हैं। ये खेल के प्रति प्यार है, आकर्षण है, अट्रैक्शन है। छोटी गेंद पुल किया है, इनफील्ड के सिर के ऊपर का स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद बढ़ती हुई, खिलाड़ी पीछा कर रहा है लेकिन नहीं रोक पाए, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई। मानोश रेस लगी थी गेंद और फील्डर के बीच में, आखिरकार गेंद जीती, मैदान के बाहर गई, 4 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी, 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति। बाकी पावर प्ले का ओवर था और जिस रन संख्या की आवश्यकता थी उसके लगभग नजदीक पहुंचती हुई, क्योंकि 14.76 का आस्किंग रन रेट है और पहले ओवर में बनाए जानतारा जसपोर्ट्स देवरुंग टीम ने 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 9 विकेटे हाथ में, विकेटे के बलबूते पर बड़े शॉट खेल सकते हैं बल्लेबाज, जोखिम उठानी होगी, रिस्क उठाना होगा, रिस्क उठाने से या तो फिर जीत मिलेगी, हार भी मिली तो उससे सीख भी मिलेगी, तो रिस्क उठाना काफी जायज है। अब फील्डिंग की पाबंदी भी छूट चुकी है, दायरा खुल चुका है, केवल 2 खिलाड़ी दायरे के अंदर रख सकते हैं कप्तान, चाहे तो और भी खिलाड़ी दायरे के अंदर रख सकते हैं लेकिन केवल 2 ही खिलाड़ी हमेशा नजर आते हैं। ऑर्थोडॉक्स फील्ड प्लेसमेंट, पारंपरिक क्षेत्ररक्षण, अभी टर्न हुई गेंद बाहर की तरफ निकली और बल्ले को चूमती हुई गई थी, खुद को संभाल नहीं पाए बल्लेबाज, संतुलन बैलेंस वहां पर खोते हुए हिट विकेट आउट हुए। दूसरी बार हमने इस टूर्नामेंट में हिट विकेट बल्लेबाज को आउट होते हुए देखा है, वैसे तो काफी कम बार हिट विकेट बल्लेबाज आउट होते हैं।
दूसरा झटका, दूसरा विकेट धराशायी होता हुआ जीतू भी पवेलियन में पहुंचते हुए अब नए खिलाड़ी समीर। महेश गेंदबाजी कर रहे राइट ओवर द विकेट से, अच्छी गेंद साइडआर्म एक्शन गेंदबाजी कर रहे बिल्कुल ऑफ स्टंप के नजदीक गेंद को फुलर लेंथ के साथ किया था, थोड़े से पीछे हटकर इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, ऑफसाइड की तरफ खेलने की कोशिश थी समीर गौड़े की, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, बढ़िया गेंदबाजी महेश की। इस बार हवा में मैदान के अंदर ही खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, किसी भी तरह का कॉल नहीं था, लॉन्ग ऑन और वाइडिश लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से आखिरकार टकरा हुआ, गेंद आज से स्कीड हुई और उसी दौरान दो रन दौड़ कर पूरे किए बल्लेबाजों ने, रन संख्या दो के साथ आगे बढ़ती हुई 14 रन और जीत के लिए 30 रन बनाने होंगे टीम को। आई गावीचा नाही, आई गावदेवी देवीचा पाडा संघाचा कर्णधार आपण लावायचंय, आयोजकांशी संपर्क करायचंय, देवीचा पाडा संघाचा कर्णधार आणि या प्रेक्षकांसाठी सुद्धा सुवर्ण संधी आहे, जर सीमारेषेच्या बाहेर आपण झेल घेतला तर नक्कीच आयोजकांच्या वतीने आपल्याला 100 रुपयाचं रोख पारितोषिक देण्यात येईल। इस बार आंसर की तरफ लपेटा है गेंद को, केवल एक ही रन मिलेगा, सिंगल्स डबल से अब बात बनने वाली नहीं है। महेश काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए पूरी तरह से लय और रिदम में अपने गेंदबाजी की धार दिखाते हुए, चमक दिखाते हुए इस बार हवा में गेंद है काफी ऊंची गई है, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी नहीं कैच कर पाए, गेंद बाउंस पर अंतिम गेंद पर चौका जड़ा बल्लेबाज ने, हालांकि कैच वहां पर हो सकता था लेकिन पूर्वानुमान खराब फील्डर की ओर से आखिरकार गेंद बाउंस होती हुई बाउंड्री के बाहर गई, रन संख्या 19 रन अब बची हुई 6 गेंदों पर, जीत के लिए 25 रन चाहिए, काफी कठिन इक्वेशन हार्ड इक्वेशन समीकरण, 6 गेंद और 25 रन देवरुण टीम के लिए। गेंदबाजी वाले स्थान पर एक अनुभवी गेंदबाज मायराम मेहर लेफ्ट राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे, पटकी हुई गेंद काफी खूबसूरत शॉट, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई,
शुरुआत अपने ओके करते हुए बालाराम मेहर पहली गेंद पर सिक्सर लगाया बल्लेबाज की ओर से। 6 रन से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 25 रन जीत के लिए और 19 रनों की जरूरत है बची हुई 5 गेंदों पर। बिल्कुल अभी भी संघर्ष काफी जबरदस्त तरीके से नजर आता हुआ, काफी बड़ा और कड़ा संघर्ष नजर आता हुआ। डटकर बल्लेबाजी हो रही है रातराजा स्पोर्ट्स देहरादून की ओर से। जानते हैं खिलाड़ी भी बड़े शॉट खेलने पर मैच अपने पक्ष में ही आ सकता है। इस बार थोड़ी सी कट हुई गेंद, छोटी गेंद थी, कदमों का थोड़ा सा इस्तेमाल किया था बल्लेबाज की ओर से। आखिरकार गेंद विकेट कीपर के पास जाती हुई डॉट बॉल के रूप में गेंद की समाप्ति। अब गेंदे कम हो रही है और रन चाहिए 19, 4 गेंदे 19 रन। भालेश स्ट्राइक पर है जिनके बल्ले से एक सिक्सर देखने को मिला। इस बार फिर से छोटी गेंद पुल किया है और सक्सेसफुल रन। दरम्यान शुभ आगमन बनले सन्मान्य जयवंत बजा गई उद्योगपति किरवली हार्दिक स्वागत विनंती असेल आपण व्यासपीठावरून स्थानापन्न व्हायचंय। गेंदबाज बालराम मेहर के ऊपर हल्ला बोलते हुए बल्लेबाज। तीन गेंदों का सामना किया भावेश ने जिसमें 12 रन जोड़े। अब 3 गेंदे शेष है और जीत के लिए चाहिए 13 रन। इस बार आगे रखा था, ये अच्छी सोच है, ये अच्छी लंबाई है मलाम की ओर से। पिछली 2 गेंदे की थी काफी छोटी थी जिस पर बड़ा शॉट खेला था। इस बार परिवर्तन के तौर पर गेंद को आगे रखा, एक्सपेरिमेंट करना काफी जरूरी होता है, वही किया आखिरकार डॉट बॉल। अब 2 गेंदे शेष है, 13 रन चाहिए। चेजिंग कंपल्सरी है लेकिन ये गेंद शरीर पर जाकर टकराई मैदान के भीतर ही, यानी कि पूरी तरह से मैच अब मेहर 11 बाबा टीम के पक्ष में। शिकंजा कस लिया है। अब दूसरे राउंड के द्वार भी खुलते हुए मेहर 11 बाबा टीम के लिए। शेष मैच औपचारिकता इस मैच की, केवल 1 गेंद शेष है। काफी खूबसूरत शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, सीमा रेखा बाहर, 6 रन। मेहर 11 बाबगाव संघाचा कर्णधार आपण व्यासपीठावर जायचंय।